आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गैर जनपद और अन्य प्रदेश से 31 मार्च से पूर्व खरीदे गए दो और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन संभागीय परिवहन कार्यालय में शुरू हो चुके हैं। पोर्टल पर दिखाई देने वाले वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। गैर जनपद या प्रदेश से 21 मार्च 2020 से पूर्व खरीदे गए BS4 वाहनों का संभागीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। RTO प्रशासन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि रजिस्ट्रेशन उन्हीं वाहनों का किया जा रहा है जिन वाहनों को 31 मार्च 2020 से पूर्व खरीदकर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अंतिम रूप से 30 अप्रैल को किया गया था और उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया था जो 31 मार्च तक वाहन पोर्टल पर दर्ज हो चुके थे। इसका तात्पर्य यह है कि जिन्होंने 31 मार्च तक स्थायी पंजीयन या शुल्क जमा कर दिया था, पंजीयन शुल्क 30 अप्रैल के बाद से वाहन पोर्टल पर यूरो 4 से संबंधित कार्य NIC द्वारा बंद कर दिए गए थे। परिवहन मुख्यालय द्वारा 4 दिन पूर्व ये निर्देश प्राप्त हुए कि ऐसे वाहनों को पंजीकृत किया जाए जिन्होंने 31 मार्च तक अस्थायी पंजीयन करा रखा हो। तो मेरा मानना है कि ऐसे सभी वाहन स्वामी जिनकी वाहन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ और उन्होंने 31 मार्च या 31 मार्च के पूर्व अपनी वाहन खरीदी थी, उत्तर प्रदेश में खरीदी जाने की दशा में स्थायी पंजीयन की भी टैक्स जमा होंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीदे जाने की दशा में स्थायी पंजीयन के टैक्स नहीं जमा होंगे। ऐसे दोनों प्रकार के वाहन स्वामी कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी वाहनों का पंजीयन करा सकते हैं। RTO प्रशासन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि वाहन खरीदने के बाद अस्थायी रजिस्ट्रेशन करने वाले वाहन पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। पोर्टल पर दिखाई देने वाले वाहनों का ही पंजीयन किया जा रहा है। वाहन स्वामियों से ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपील की गई है। आगरा जनपद में खरीदे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। एकदम एग्जैक्ट संख्या बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लगभग दो पहिया और चार पहिया मिला के ऐसे 200 वाहन के करीब होंगे जो 31 मार्च के पहले बिके हुए थे, जिनकी किसी तरह से वाहन पोर्टल पर उपस्थिति भी है, अस्थायी पंजीयन या टैक्स जमा करने के रूप में उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे वाहन स्वामी के लिए अभी कोई राहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है जिन्होंने अपनी वाहन का किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं कराया था। BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक चली आ रही थी, अब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन संभागीय परिवहन कार्यालय में शुरू हो गए हैं। बताया गया है कि गैर जनपद और प्रदेश में खरीदे गए करीब 200 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जिन वाहनों का पंजीयन शुल्क जमा हो चुका है ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी होने के कारण वाहन स्वामी अस्थायी रजिस्ट्रेशन से ही वाहनों को अब तक चलाते आ रहे थे। अब स्थायी रजिस्ट्रेशन होने के बाद वाहन स्वामी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।